पावर ऑफ स्ट्रक्चर। तुसीं कदे सोचिया कि सारी दुनिया विच राजनीतिक, व्यापारिक, आर्थिक ते समाजिक स्थितियां पिछे कौन काम करदा है? दुनिया विच होए युद्धां अते जंगां विचला वड्डा कारण की रहा सी? तुहानू पता दुनिया विच धर्मां दे नां ते हुंदी हिंसा ते कतलेआम पिछे किसदा हत्थ हुंदा है? अमरीका सुपर पावर किवें बनिया अते अपने देश चों भिखारी गरीबी नूं क्यों नहीं जीरो कर सकिया? इस बारे आओ गल करदे हां। दरअसल सारी दुनिया एक अंबरेला दे हेठां जी रही है। कोई भी देश इस अंबरेला तों बाहर नहीं है ते इस अंबरेला नूं असीं नां दित्ता है पावर ऑफ स्ट्रक्चर। की है यह पावर ऑफ स्ट्रक्चर ते किवें होंद विच आया? असीं भारत की उदाहरण लैके इस स्ट्रक्चर बारे समझदे हाँ। भारत एक कट्टरपंथी धार्मिक देश है जिथे वख-वख धर्मां ते जातां दे लोक रहिंदे ने। भारत का राजनीतिक ते धार्मिक ढांचा बाकी दुनिया नालों वख्खरा ते नीवें पद्धर दा है। इत्थे मिंटां विच धर्म दे नां ते कतल हो जांदे ने ते उस उत्ते राजनीति करके वोटां लईआं जांदीआं ने। भारत विच गरीबी बेअंत है, धार्मिक विवाद बेअंत हन, राज्यां दे दूसरे राज्यां नाल विवाद भी बहुत हन। कश्मीर का मुद्दा, SYL का मुद्दा ते होर बड़े विवाद हन। भिखारियों की गिणती तो करोड़ों विच है। नशे की कोई हद नहीं, क्राइम बेहिसाब है। पार्लीमेंट के अद्धे तो ज़्यादा मैंबरों उत्ते क्रिमिनल केस दर्ज हैं। भ्रिष्टाचार तो हद्दां पार कर चुका है। हुण तुसीं खुद सोचो कि यह मुद्दे इन्ने वड्डे हन कि पिछले 50 सालों विच भी नहीं हल हो सके। हर सरकार इन्हां मुद्दों उत्ते वोटां लैंदी है ते मुद्दे ज्यों दी त्यों खड़े रहिंदे हन। हुण एक गल समझो कि अगर यह सारे मुद्दे जां मसले हल हो जाण, सारा कुछ सही तरीके नाल चलण लग पिया, तां फिर लीडर वोटां किन्नां मुद्दियां ते मंगणगे? उदाहरण दे तौर पर अगर सारे लोग चंगे हो गए तां क्राइम आपे जीरो हो जाएगा, तां फिर पुलिस जेलां दी कोई बहुती लोड़ नहीं रह जाएगी। जदों सारा कुछ ही सही हो गया फिर लीडरां दी भी कोई बहुती लोड़ नहीं रह जाएगी। हुण उपर पावर च बैठे बंदे यह कदे नहीं चाहणगे कि उन्हां दीआं कुर्सियां खुस जाण ते उन्हां दी कदर घट जावे, सो उह कदे भी इन्हां मसलियां नूं हल नहीं करनगे, तो जाण बुझ के इन्हां मसलियां च ही उलझाई रखणगे। बस यही है पावर ऑफ स्ट्रक्चर। यह सिर्फ भारत देश की उदाहरण है, यही स्ट्रक्चर पूरी दुनिया विच कम कर रहा है। तुसी सोचो कि दुनिया विच होए युद्धां विच सिर्फ आम लोग मारे गए। युद्ध क्यों होया, इसके की कारण सन, वह सिर्फ दोवां देशां दे लीडर जानते हैं, पर वह लीडर खुद ते उन्हां दे बच्चे सेफ रहिंदे हन, पर आम सिपाही मारे जांदे हन। भारत पाकिस्तान जंग दौरान जो फौजी पाकिस्तानी फौजी नूं मार दिंदा सी, भारत उसनूं इनाम दिंदा सी ते फकर महसूस करवाउंदा सी, ते मारिया गया पाकिस्तानी फौजी पाकिस्तान विच शहीद कहा जांदा सी। इवें ही भारत दा मरिया फौजी भारत लई शहीद कहा जांदा सी। पर इन्हां दोवां पासे दे फौजियां दी आपस विच तां कोई दुश्मनी नहीं सी, उह तां जाणदे भी नहीं सी इक दूजे नूं। फिर उह किस लई लड़े ते क्यों लड़े? विवाद तां दोवें पासे दे लीडरां विचकार सी, फिर इह दोवें पासे बेकसूर सिपाही क्यों मारे गए? जदों दोवें पासे दे लीडर सेफ रहे, बस उन्हां ने अपनी आवाम दे दिमाग विच शहीद होण दा माण जां वतन लई कुर्बान होण दा संकल्प भर दित्ता। इस परतारे पिछे एक न्यूरोप्लास्टिसिटी कम करदी है कि जानवर ते मनुख नूं मानसिक ते शरीरक तौर ते गुलाम किया जा सकता है। जिवें अमरीका सुपर पावर हुंदिया होया भी अपने देश विच्चों भिखारी ते गरीबी जीरो नहीं कर सकिया, ना ही क्राइम रेट घट कर सकिया। तुहानूं की लगता है अमरीका नहीं कर सकता? कर सकता है, बहुत सौखा कर सकता है, पर करदा नहीं, क्योंकि उन्हां नूं भिखारियां दी लोड़ है, क्रिमिनल्स दी लोड़ है, गरीबी भी चाहीदी है, तां ही इह स्ट्रक्चर चलदा रहेगा। अमरीका च ड्रग्स आम है जिस कारण क्राइम रेट वध गया है। अगर चाहे तो 2 दिन च ड्रग्स बैन कर सकता, पर क्योंकि स्ट्रक्चर स्टेबल रखना है सो नहीं करता ते ना ही करे। अमरीका सुपर पावर इवें ही बनया। सारे यूरोपियन देश आपस में लड़ते रहे ते अमरीका किसी युद्ध च सीधे तौर पर शामिल नहीं होया, पर हर देश ने हथियार अमरीका दिंदा सी ते जंग दौरान ही भुखमरी ते अमरीका ही व्यापारी बन दूजे देशों नूं वस्तुआं भेजदा सी, जिस कारण दूजे देशों की आर्थिक स्थिति डिगदी गई
ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਹਿੰਸਾ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰਕਚਰ ਸਟੇਬਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਭਕੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਜੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਡਮਰੂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੱਚਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਹੋਮੋਸੇਪੀਅਨਜ ਜਾਂ ਆਦਿ ਮਾਨਵ ਨੇ ਝੁੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਯੋਗ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਚੁਣੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਇਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।